हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको नवरात्रि के 8वें दिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। नवरात्रि में माता की पूजा करने से पाप से मुक्ति मिलती है, मन में विचारों की शुद्धता आती है, हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। माता अपने भक्तों को बल और बुद्धि में वृद्धि भी करती हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ महागौरी को स्वीकार कर लिया। कठोर तपस्या के कारण माता महागौरी का शरीर काला हो गया था और उस पर धूल मिट्टी की परतें जम गई थीं। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया। स्नान कराने से माता का शरीर स्वर्ण के समान दमकने लगा। तभी से माता का नाम महागौरी पड़ गया। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। माता महागौरी की पूजा का नवरात्रि के दिनों में करना अधिक श्रेयस्कर माना गया है।